जो मैं आपका स्वागत है, इस वीडियो में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश यानी कि अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो नोटिस आया है अलग अलग वैकेंसीज के लिए, कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जाम जो रहता है CSLE जो रहता है 2024 का, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। देखिए, ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन, ओपनिंग डेट रहेगी 19 अगस्त 2024 और क्लोजिंग डेट रहेगी 9 सितंबर 2024, ठीक है। और रिटर्न एग्जाम की डेट रहेगी 10 नवंबर 2024 जो कि संडे है। और टेंटेटिव डेट ऑफ PET यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या फिर फिजिकल जो भी स्किल टेस्ट होगा वो, उसके अलग अलग पोस्ट कोड है ये, उनका डेट रहेगी 26 नवंबर 2024। तो जहाँ तक हम बात करते हैं पोस्ट की, तो देखिए फॉरेस्ट गार्ड लेवल 3 की जॉब है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट रहेगा, APST 10, अनरिजर्व 17, कुल मिला के 27 पोस्ट। इसी तरीके से फायरमैन की अगर बात करें लेवल 3 की जॉब है, फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज, और 31 पोस्ट रहेगी APST की और 7 रहेगी अनरिजर्व की। इस तरीके से टोटल 42 जॉब है, ठीक है। कॉन्स्टेबल सिविल पुलिस लेवल 3 है, होम कॉन्स्टेबल AAPBN ये भी लेवल 3 है, इसके डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट रहेगा यानी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही रहेंगी। और ऊपर वाले की वैकेंसी 58 ST की और अनरिजर्व की 10 है। इस तरीके से टोटल आपकी एक्स सर्विसमैन की 71 ली गई, टोटल आपकी होगी 139, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा इतना सोचना नहीं है। लैब अटेंडेंट की भी वैकेंसी जैसे लेवल 2 की, TRI HMS जो रहेगा इसका डिपार्टमेंट रहेगा, MTS की अलग अलग वैकेंसी इसमें दी गई है, ठीक है। MTS स्वीपर, MTX दफ्तरी वॉचमैन, तो ढेरों वैकेंसी दी गई है, सारा वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। चलिए आप देख लीजिएगा वीडियो को, मैं थोड़ा सा स्लो कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप आराम से इसको देख पाए डिस्ट्रीब्यूशन को और किस लेवल के लिए आपको अप्लाई करना है, आप आराम से डिसाइड कर पाए, ठीक है। ये अलग अलग वैकेंसीज है, सारी MTS लेवल की हैं ये। MTS सैनिटेशन असिस्टेंट, MTS नर्सिंग असिस्टेंट, MTS चौकीदार, स्ट्रेचर बीरर, MTS ड्रेसर, MTS फीमेल अटेंडेंट, MTS कुक, MTS धोबी, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। कुल मिलाकर अगर वैकेंसी देखी जाए तो 452 वैकेंसीज है, 452 वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो देखिए फॉरेस्ट गार्ड के लिए 10वीं पास इन्होंने मांगी है, ठीक है, 10th क्लास आपके पास होनी चाहिए। बाकी जो फिजिकल स्टैंडर्ड रहता है 163 नॉन APST के लिए, 152 APST के लिए, ठीक है। फीमेल्स के लिए भी 150 नॉन APST और APST के लिए 145। पे मैट्रिक्स आपका लेवल 3 रहेगा, 21,700 से लेके 69,100 का। एज लिमिट इसमें आपकी 18 से 32 साल है। फिर दूसरी पोस्ट है फायरमैन, फायरमैन की पोस्ट के लिए भी इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में केवल 10th क्लास मांगी है, बाकी कुछ मांगा नहीं है। और फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट और चेस्ट ये इस तरीके से है, ठीक है। और फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है वो 100 मीटर की दौड़ होनी है, 1500 मीटर की रेस होनी है जो कि 8 मिनट 30 सेकंड में पूरी करी जानी है, 1500 मीटर की 8 मिनट 30 सेकंड में, और 100 मीटर की दौड़ विद लोज ऑफ 10 kg यानी 10 kg का लोज उठाकर आपको 1 मिनट के अंदर पूरी करनी है। ये भी लेवल 3 की जॉब है। अब कॉन्स्टेबल सिविल पुलिस इसमें भी 10th मांगी है, सभी में 10th मांगी है। अब हम बात करते हैं सीधा MTS के रिगार्डिंग, ठीक है। तो लैब अटेंडेंट देखिए, लैब अटेंडेंट जो है इसमें भी इन्होंने केवल 10th क्लास मांगी है, 18 से 35 साल उम्र हो, और एज रिलैक्सेशन रहेगा APST इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शन ऑर्डर इशूड बाय अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो लेवल 2 की रहेगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ क्लास 10th या फिर ITI मांगी है इन्होंने रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, ठीक है। MTS में इन्होंने ओब्लिक है यानी कि या तो क्लास 10th हो या फिर ITI हो, क्लास 10th ओब्लिक ITI और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, ठीक है। 10th क्लास पास कम से कम होनी चाहिए। तो सारी लेवल 1 की जॉब है, और लेवल 1 की जॉब है, 18 से 35 साल उम्र है, और टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो जनरल के लिए 200 रुपये और APST के लिए 150 रुपये इसमें फीस रहेगी, ठीक है, जो कि ऑनलाइन आपको पे करनी है। और पर्सन विद जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनको कोई फीस भरनी नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज एक्सपीरियंस, ये सब देखें तो इसके लिए आप पूरा नोटिस ये पढ़ सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जाम जो है स्टेज 1 स्टेज 2 है, 35/24 पोस्ट जो है उसके लिए, और बाकी जो पोस्ट है उनके लिए 36/24 37/24 38/24 जो पोस्ट है उनके लिए 3 स्टेज एग्जाम होना है, और जो 39/40/2 है उसके लिए केवल स्टेज 1 एग्जामिनेशन होना है। तो एक बार मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ पोस्ट का कोड जो है, ये देखिए, जैसे लेडी कॉन्स्टेबल ये 38/24, 37/24 ये भी कॉन्स्टेबल, ठीक है। अब MTS की अगर बात करें तो MTS ये यहाँ MTS है 40/24, ठीक है। ये सब जो है MTS की जो पोस्ट हैं ये 35/24 MTS की आपकी सारी जो पोस्ट है ये आपकी आगे इस कैटेगरी में जो है आपकी कैटेगरी ये 35/24 36/24 37/24 ये इसमें आपके 40/24 जो पोस्ट है वो MTS की है, 40/24 यानी कि ऐसी पोस्ट है जिसके लिए आपको केवल लेके एग्जाम देना है, और आप अगर लक्की रहे आपकी मेहनत रंग लाई तो आप डायरेक्टली सेलेक्ट हो जाएगी 40/24 जो है, ठीक है। ये केवल
40/24 जो स्टेज वन एग्जाम है केवल, जिसके अंदर क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगी 50 नंबर की, रीजनिंग रहेगी 50 नंबर की, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी 50 नंबर की, और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट रहेगा आपका 50 नंबर का। तो इस तरीके से कुल मार्क्स आपके 200 रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, ये एग्जाम की स्कीम है, आप पूरे नोटिस को ध्यान से पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए नहीं इसको ज़्यादा टाइम दे रहा क्योंकि होगा क्या, मैं जितना ज़्यादा बताऊंगा उतनी ज़्यादा आपकी जिज्ञासा बढ़ती रहेगी। इससे अच्छा है कि आप खुद फटाफट अप्लाई कर दे और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर ले, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटो यही था कि आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखें, और काफ़ी हेल्पफुल वैकेंसीज है, हालांकि 10th लेवल वैकेंसीज है लेकिन अच्छी वैकेंसीज है, और आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।